लव इज ब्लाइंड इस बात का पूरी तरह से एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण बनता हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री आया है सामने। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो खूब सारे ब्यूटीफुल कपल्स हैं, मगर भाई यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर एक साथ कहा जाता है ऑकवर्ड, यानी कि सबसे मिसमैच्ड कपल्स बॉलीवुड इंडस्ट्री के। और आज उन्हीं के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले नाम सामने आता है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का। भाई मुझे तो कहीं से ये मिसमैच तो नजर आते नहीं, लेकिन भाई लोगों को देखिए जो कि कह देते हैं यहाँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते ही नहीं है, क्योंकि कहाँ खूबसूरतों की रानी कही जाती है ऐश्वर्या राय बच्चन, तो वहीं दूसरी ओर एक फ्लॉप एक्टर बनकर सामने आ चुके हैं अभिषेक बच्चन। और इसी वजह से इन दोनों को कहा जा चुका है एक मिसमैच कपल, क्योंकि सिर्फ अभिषेक बच्चन टैग लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं अपनी ब्यूटीफुल सी स्माइल, अपनी ब्यूटीफुल आईज के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन हर किसी के दिल पर राज कर रही है। वैसे इस लिस्ट के अंदर और भी खूब सारे नाम हैं, जैसे कि मलाइका अरोड़ा खान, जो कि अब मलाइका अरोड़ा बन चुकी है और जल्द ही कपूर बनने वाली है। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर को डेट कर रही है। ऐसे में यहाँ ये कहा जाता है कि देखिए जरा मलाइका तो कितनी फिट है, कितनी ज्यादा गॉर्जियस है, लेकिन भाई उनके चेहरे पर आने लगी है अब झुर्रियां, यानी कि बुढ़ापा दिखने लगा है। तो वहीं अर्जुन कपूर अभी यंग है मगर अपनी फिटनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब ये दोनों एक साथ नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मलाइका के साथ उनका कोई हट्टा कट्टा सा चल रहा हो बॉडीगार्ड। यहाँ पर मलाइका और अर्जुन को देखकर खूब हंसा करते हैं और इसी के साथ उन्हें मिसमैच कपल बोलकर यहाँ इस लिस्ट में हम शामिल करते हैं। वेल, इस लिस्ट के अंदर एक और नाम है काफी ज्यादा फनी सा, और वो नाम है जैकलिन फर्नांडिस और साजिद खान का। भाई हाँ, इन दोनों का भी लव अफेयर चला था और किसी को इस बात पर यकीन हुआ ही नहीं, मगर देखिए ये मिसमैच कपल भी एक दूसरे से अलग हो गया। जहाँ खूबसूरत है दिखती काफी ज्यादा जैकलिन, तो वही साजिद मोटे से और थुल थुल से अपने करियर में यूं ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों को लेकर खूब मजाक बनाया जाता है और मिसमैच कपल लेके इस लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। वेल, बता दें कि अब तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो ही चुके हैं, तो इस बात में अब कोई भी शक नहीं रहा कि इन दोनों को भी पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। वेल, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो काफी एक्ट्रेसेस का नाम भी बदनाम हो चुका है कि उन्होंने बस पैसा देकर यूं ही शादी कर ली किसी से भी। ऐसे में यहाँ पर रानी मुखर्जी का भी इस चीज को लेकर नाम बदनाम हुआ और उनका ये मिसमैच्ड कपल बना है आदित्य चोपड़ा के साथ। यहाँ आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी को एक साथ देखा जाए तो उन दोनों को देखकर हर कोई हंसने लग जाता है कि भाई जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। जहाँ बूढ़े दिखाई देते हैं आदित्य, तो वही रानी अभी भी काफी ज्यादा जवान है। ऐसा ही एक कपल था बोनी कपूर और श्रीदेवी का भी। श्रीदेवी ने तो बोनी कपूर की पहली शादी तुड़वा कर उनके साथ रिश्ते बनाए थे, लेकिन यहाँ ये देखिए इन दोनों को जब भी साथ देखा गया तो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही कमेंट पे ज्यादा से ज्यादा नजर पहुंच गई, और वो ये थी कि श्रीदेवी के पापा उनके साथ चल रहे हैं। मिसमैच्ड कपल इन दोनों को हमेशा से ही कहा जाता है, पर श्रीदेवी आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने का गम हर किसी को सता रहा है। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फरहान अख्तर और शिबानी डांडेकर की। ये दोनों कुछ ही वक्त पहले एक दूसरे के साथ आए, डेटिंग की खबरें इनकी सामने आने लगी। यहाँ पर इन दोनों को लेकर भी मजाक बन गया कि भाई देखिए फरहान तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं, वो अब डेट कर रहे हैं शिबानी डांडेकर को, जो कि खूबसूरती में नंबर वन है और टॉप की मॉडल है, और यहाँ फरहान तो होते जा रहे हैं अब बूढ़े। तो ऐसे में मिसमैच कपल तो ये दोनों बन ही गए ना। लेकिन सबसे फनी कपल, मिसमैच कपल तो तुलिप जोशी और विनोद नायर का है। विनोद नायर अपनी पत्नी तुलिप से हाइट में भी छोटे हैं और खूबसूरती के मामले में कहा जाते हैं बिल्कुल ही जीरो। अब इनकी तस्वीरों को हमारी इस रिपोर्ट में देख ही पा रहे होंगे और समझ गए होंगे कि आखिर इन्हें मिसमैच कपल कहा क्यों गया है। वेल, कुछ कपल्स तो ऐसे होते हैं जो जल्द ही जान लेते हैं खुद ब खुद कि भाई हम मिसमैच्ड है, एक दूसरे के साथ हमारी निभेगी नहीं। ऐसा ही कुछ उदय चोपड़ा और नरगिस वाकड़ी के साथ भी हुआ था।
इन दोनों ने डेटिंग की खबरों को हमेशा छुपाए रखने की कोशिश की, मगर सामने तो एक दूसरे के आते रहे, क्योंकि भाई हाथों में हाथ डालकर जब ये एयरपोर्ट में नजर आएंगे तो हर किसी को पता ही चल जाएगा कि कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। ऐसे में इन दोनों की तस्वीरें सामने आने लगी, तो वहीं इन दोनों को देखकर हर कोई हैरान रह गया कि भाई उदय हो चुके हैं मोटे और अपने बॉलीवुड करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी दाढ़ी आने लगी है, वो भी बिल्कुल सफेद, तो वहीं सफेद बाल भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उदय का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं और भी ज्यादा यंग दिखने लगी है नरगिस। ऐसे में गोरी चिट्टी बिल्कुल सुंदर दिखाई देने वाली नरगिस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं दिखती है उदय के साथ, और मिस मैच कपल के इस लिस्ट में इन दोनों को भी शामिल किया जाता है। मगर भाई अच्छी बात तो ये है कि ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक चला नहीं, लेकिन अगर हो जाती है इनकी शादी तो इनके ऊपर भी ये मिस मैच मैरिड कपल का टैग जरूर लग जाता। वेल दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट जिसमें हमने आपको बताया है उन सभी सेलिब्रिटीज के बारे में जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लव अफेयर अपने मिस मैच कपल के कारण काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते आए हैं और उनका खूब मजाक बना है सोशल मीडिया पर। लेकिन इस बारे में आपके क्या ख्याल है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।